तुमको हिंदी मालूम है? हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का मूवीज क्वीन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ साउथ की टॉप 8 बेस्ट मर्डर मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर बनी फिल्में, जो एक से बढ़कर एक है और रिसेंटली ही यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुकी है। तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा जरूर देखिएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 8 पर है 2019 में रिलीज तेलुगु लैंग्वेज की एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म राना रंगम। इस मूवी को IMDb की तरफ से 6/10 की रेटिंग और 93% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक भी किया है। इस मूवी को हिंदी में डॉन रिटर्न नाम से डब किया गया है। मूवी में लीड रोल भारतीय नजर आएंगे शर्वानंद, कल्याणी प्रियदर्शन और काजल अग्रवाल के साथ साथ कई स्टार्स। दोस्तों अगर बात करें स्टोरी की तो स्टोरी बेस्ड है देवा पर, जो एक बहुत ही पावरफुल गैंगस्टर होता है लेकिन दिल का काफी अच्छा होता है, जिसके वजह से उसके काफी सारे दुश्मन बन जाते हैं और उनसे पीछा छुड़ाने और अतीत को भुलाने के लिए वो स्पेन चला जाता है। लेकिन दोस्तों कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसके दुश्मन उसका वहाँ भी पीछा नहीं छोड़ते। अब आगे इस मूवी में क्या होगा, कौन से ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं, जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। मूवी सच में बहुत ही ज्यादा कमाल की है। अगर आपने इस मूवी को मिस कर दिया तो इस मूवी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। नंबर 7 पर है 2021 में रिलीज तमिल लैंग्वेज के एक ड्रामा थ्रिलर मूवी तुगलक दरबार, जिसे IMDb की तरफ से 5.6/10 की रेटिंग और 76% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक भी किया है। मूवी में लीड रोल निभाते हुए नजर आएंगे विजय सेतुपति, राशि खन्ना और मंजीवा मोहन के साथ साथ और भी कई स्टार्स। दोस्तों बात करें स्टोरी की तो स्टोरी बेस्ड है एक यंग पॉलिटिशियन पर, जो पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कुछ भी करने को तैयार होता है और मूवी में यही देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो दोस्तों आगे उस मूवी में क्या होता है और वो पॉलिटिशियन आगे बढ़ने के लिए क्या क्या करता है, जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। मूवी में ड्रामा थ्रिल सब कुछ है। अगर आपने इस मूवी को मिस कर दिया तो इस मूवी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। नंबर 6 पर है 2017 में रिलीज कनाडा लैंग्वेज के एक रॉबरी थ्रिलर मूवी पंता, जिसे IMDb की तरफ से 4.3/10 की रेटिंग और 71% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक भी किया है। मूवी में लीड रोल निभाते हुए आपको नजर आएंगे अनुप रेवाना, ऋतिक शाह, रवि काले के साथ साथ और भी कई स्टार्स। दोस्तों बात करें स्टोरी की तो स्टोरी बेस्ड है एक छोटे शहर के एक स्मॉल टाइम क्रिमिनल अर्जुन पर, जो अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर लोगों के साथ धोखाधड़ी करके अपनी जिंदगी जीता है। लेकिन दोस्तों कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो लोग बहुत बड़ी डकैती करने का फैसला करते हैं। अब दोस्तों उनका ये फैसला कौन सा ट्विस्ट एंड टर्न आता है, जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। मूवी सच में बहुत ही ज्यादा कमाल की है। अगर आपने इस मूवी को मिस कर दिया तो इस मूवी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। नंबर 5 पर है 2017 में रिलीज तेलुगु लैंग्वेज की एक क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी जेंटलमैन, जिसे IMDb की तरफ से 7.2/10 की रेटिंग और 94% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक भी किया है। मूवी में लीड रोल निभाते हुए नजर आएंगे निविथा थॉमस, सुरभि, श्रीनिवास और वैनला किशोर के साथ साथ और भी कई स्टार्स। दोस्तों बात करें स्टोरी की तो स्टोरी बेस्ड है कैथरीन और ऐश्वर्या पर, जिनकी मुलाकात एक फ्लाइट में होती है, जहां दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं और दोनों अपनी लव लाइफ के बारे में बात करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब कैथरीन को लगता है कि ऐश्वर्या का फियांसे उसका ही बॉयफ्रेंड है। तो दोस्तों आखिर रियल स्टोरी क्या है, जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। मूवी कमाल की है, जिसमें मिस्ट्री और थ्रिल भरपूर है। अगर आपने इस मूवी को मिस कर दिया तो इस मूवी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। नंबर 4 पर है 2016 में रिलीज तमिल लैंग्वेज की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म रेखा, जिसे IMDb की तरफ से 5/10 की रेटिंग और 65% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक भी किया है। मूवी में लीड रोल निभाते हुए नजर आएंगे विजय सेतुपति, लक्ष्मी मैनन और हरीश उथमन के साथ साथ और भी कई स्टार्स। दोस्तों बात करें स्टोरी की तो स्टोरी बेस्ड है शिवा पर, जो एक कपल को भगाने में उनकी हेल्प करता है। लेकिन दोस्तों कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक गैंगस्टर डेविड द्वारा एक पॉलिटिशियन की बेटी का किडनैप करने के लिए उसे फोर्स किया जाता है। तो दोस्तों आखिर वो गैंगस्टर शिवा को फोर्स क्यों करता है, जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। मूवी काफी इंगेजिंग है, जो स्टार्ट टू एंड तक आपको अपने साथ बांधकर पक्का रखेगी। अगर आपने इस मूवी को मिस कर दिया तो इस मूवी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है।
नंबर 3 पर है 2018 में रिलीज तमिल लैंग्वेज की एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी अरुथरा, जिसे IMDb की तरफ से 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग और 91% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक भी किया है। मूवी में लीड रोल निभाते हुए नजर आएंगे विजय, भाग्यराज, मेघाली और विग्नेश के साथ साथ और भी कई स्टार्स। दोस्तों बात करें स्टोरी की तो स्टोरी बेस्ड है शिव पर, जो एक एंटिक शॉप का ऑनर होता है और उसे ना जाने क्यों अमीर लोगों पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपने डार्क पास्ट के कारण उन लोगों का मर्डर करते रहता है। लेकिन दोस्तों कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अवुदयापन नाम का एक डिटेक्टिव उसके बिल्डिंग में आकर रहने लगता है। अब आगे इस मूवी में क्या होता है जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। स्टोरी अच्छी है और इंगेजिंग है। अगर आपने इस मूवी को मिस कर दिया तो इस मूवी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। नंबर 2 पर है 2021 में रिलीज तमिल लैंग्वेज की एक रोमांस कॉमेडी ड्रामा मूवी पेरिस जयराज, जिसे IMDb की तरफ से 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग और 91% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक भी किया है। मूवी में लीड रोल निभाते हुए नजर आएंगे अनायका सोती, संथनम, तेजू अश्विनी के साथ साथ और भी गेस्ट स्टार्स। दोस्तों बात करें स्टोरी की तो स्टोरी बेस्ड है प्यार में धोखा खाए दो लोगों की, जयराज और दिव्या पर, और दोनों अचानक मिलते हैं और उन दोनों के बीच प्यार हो जाता है। लेकिन दोस्तों कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब दिव्या का एक्स बॉयफ्रेंड उसके लाइफ में वापस आ जाता है। दोस्तों आगे इस मूवी में क्या होता है और कौन से ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। मूवी में आपको भरपूर ड्रामा और कॉमेडी देखने को मिलेगा। अगर आपने इस मूवी को मिस कर दिया तो इस मूवी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। नंबर 1 पर 2021 में रिलीज तेलुगु लैंग्वेज की एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म पावर प्ले, जिसे IMDb की तरफ से 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग और 73% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक भी किया है। मूवी में लीड रोल निभाते हुए नजर आएंगे राज तरुण, शामना कसीम और हेमल इंगले के साथ साथ और भी कई स्टार्स। दोस्तों बात करें स्टोरी की तो स्टोरी बेस्ड है विजय पर, जो अपनी फैमिली और गर्लफ्रेंड के साथ बहुत ही हैप्पीली जी रहा होता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक फेक मनी ट्रांजेक्शन के मामले में उसे जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों आखिर विजय को कौन फंसाना चाह रहा था, इसके पीछे की रियल मिस्ट्री क्या है जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। मूवी वाकई देखने लायक है। अगर आपने इस मूवी को मिस कर दिया तो इस मूवी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।